दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं लखनऊ टाटा मोटर्स के इस प्लांट में, जहां पर हम प्लांट का पूरा विजिट आपको देंगे। पूरे प्लांट का अंदर क्या क्या कार्य प्रणाली यहां पर होती है, किस तरह का काम होता है, हर चीज के बारे में हम आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो के साथ में। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाटा मोटर्स के इस प्लांट के अंदर यहाँ पर MCV मार्को पोलो जो बसेज होती हैं, CNG ट्रक्स होते हैं और यहाँ पर तमाम सारे व्हीकल्स का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों हम खास तौर से इंदौर से चल करके आए हुए हैं लखनऊ, इस प्लांट का पूरा विजिट करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो है कार्य को अंजाम दिया जाता है। लगभग 600 एकड़ के अंदर फैले हुए टाटा मोटर्स के लखनऊ प्लांट की स्थापना हुई 1992 के अंदर। 5,500 के आसपास की मैन पावर के साथ में यहाँ पर रोजाना 300 व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। गाड़ी के अंदर लगने वाली केबिन की वेल्डिंग शॉप, पेंट शॉप और गाड़ी के अंदर लगने वाली एक्सल असेंबली भी यहीं पर स्थापित की गई है। दोस्तों इस प्लांट के अंदर हैवी कमर्शियल व्हीकल, ILCV व्हीकल, CNG ट्रक्स एंड बसेज, इलेक्ट्रिक बसेज का निर्माण किया जाता है। कार्य की शुरुआत होने से पहले डिपार्टमेंट के अंदर मॉर्निंग मीटिंग को आयोजित किया जाता है, जिसके अंदर प्रोडक्शन को लेकर के चर्चाएं की जाती हैं। सेफ्टी इश्यूज, क्वालिटी इश्यूज, किस तरह की प्रोडक्टिविटी रही, क्या इशू रहे पिछले दिन के, जिनका निराकरण क्या किया गया, इन सभी मुद्दों पर चर्चा एक ही स्थान पर खड़े होकर के डिपार्टमेंट हेड और कर्मचारियों के बीच में कर ली जाती है। टाटा मोटर्स अपनी कंपनीज के अंदर महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा कार्य क्षेत्र के अंदर सहभागिता को बढ़ाने के लिए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अवसर प्रदान करता है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए टाटा मोटर्स के लखनऊ प्लांट के अंदर हमने देखा काफी ज्यादा तादाद में महिला कर्मी पुरुष कर्मियों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम करती नजर आई। टाटा मोटर्स के इस लखनऊ प्लांट से बनने वाले तमाम तरह के व्हीकल्स का एक्सल असेंबली का कार्य इसी डिपार्टमेंट के अंदर किया जाता है। एक्सल असेंबली कंप्लीट होने के बाद में इस असेंबली को ओवरहेड EMS कैरियर के द्वारा मेन लाइन के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं मेन व्हीकल असेंबली लाइन के बारे में। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है चेसिस फ्रेम के साथ में। चेसिस फ्रेम को ओवरहेड EMS सिस्टम के माध्यम से यहां पर लाया जाता है। इसके बाद में इसके अंदर लीफ स्प्रिंग, एक्सल, इन सभी चीज़ों का फिटमेंट किया जाता है। एक्सल को ड्रॉप करने के बाद में DCNR के माध्यम से एक्सल की टाइटनिंग की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन आपको देखने के लिए मिलता है इस तरह की अत्याधुनिक लाइनों के अंदर, जो कि टाटा मोटर्स के लखनऊ प्लांट के अंदर हमने देखा। डिजिटल स्कैनर के माध्यम से क्वालिटी चेक, जो कि हर स्टेशन पर किया जाता है। अब बारी आती है व्हीकल के अंदर प्रोपेलर शाफ्ट के फिटमेंट की। इस तरह से अलग अलग स्टेशन के माध्यम से चेसिस फ्रेम बढ़ता रहता है और कन्वेयर के द्वारा गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। कुछ पार्ट को गाड़ी को इन्वर्ट करके लगाना होता है, इसके लिए गाड़ी को यहाँ पर यानी कि चेसिस फ्रेम को इन्वर्ट कर लिया जाता है। इन्वर्ट करने के बाद में गाड़ी के अंदर अदर असेंबली को कंप्लीट कर लिया जाता है, जिनके अंदर एग्जॉस्ट पाइप और अन्य प्रकार की असेंबली को कंप्लीट किया जाता है। इस तरह से व्हीकल आगे बढ़ता रहता है कन्वेयर के ऊपर और अलग अलग पार्ट यहाँ पर असेंबल किए जाते रहते हैं। आगे जाकर के व्हीकल का हार्ट यानी कि इंजन को भी ड्रॉप कर लिया जाता है, जो कि EMS सिस्टम के माध्यम से ओवरहेड कैरियर के द्वारा व्हीकल असेंबली लाइन को सप्लाई किया जाता है। कौन से फ्यूल का इस्तेमाल होना है, कौन सा व्हीकल है, मॉडल के अनुसार व्हीकल के अंदर फ्यूल टैंक, डीजल टैंक या CNG टैंक, इन सभी चीजों को भी यहां पर फिट कर लिया जाता है। वेल्डिंग शॉप से कंप्लीट होकर के केबिन पेंट शॉप होता हुआ
ओवरहेड ईएमएस सिस्टम के माध्यम से व्हीकल असेंबली तक पहुंच जाता है। मॉडल के अनुसार किस तरह का केबिन लगना है उस तरह के केबिन का यहां पर ड्रॉप हो जाता है और केबिन का फिटमेंट भी कर लिया जाता है। केबिन के ड्रॉप होने के बाद में तमाम तरह के कनेक्शंस को भी यहीं पर कंप्लीट कर लिया जाता है। अब बारी आती है व्हीकल के अंदर टायर के फिटमेंट की, तो मैन्युपुलेटर के माध्यम से टायर का फिटमेंट व्हीकल के अंदर कर दिया जाता है। टायर यार्ड में टायर्स की असेंबली की जाती है और उनको कन्वेयर के माध्यम से ही व्हीकल असेंबली लाइन को लगातार सप्लाई किया जाता कंटिन्यू किया जाता है। तो दोस्तों, कन्वेयर से होते हुए अलग अलग स्टेशन पर अलग अलग पार्ट की असेंबली होते हुए हमारा ट्रक अब जाकर के कंप्लीट हो जाता है और ट्रक बनने की इस प्रोसेस के बाद में ट्रक को भेज दिया जाता है अगले स्टेशन की ओर, जहां पर अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के माध्यम से व्हील अलाइनमेंट का कार्य कंप्लीट किया जाता है। व्हील अलाइनमेंट का कार्य होने के बाद में व्हीकल को आगे भेज दिया जाता है डायनो के ऊपर टेस्ट करने के लिए, जहां पर गाड़ी को रोलर और मशीन के माध्यम से स्पीड टेस्ट, गियर टेस्ट, पावर टेस्ट, एबीएस टेस्ट, इन सभी जांच को यहां पर कंप्लीट किया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले फ्रंट एक्सल की जांच की जाती है। रोलर और मशीन के माध्यम से गाड़ी को एक खड़ी हुई अवस्था में दौड़ाया जाता है और सारी स्पीड एंड सारे पैरामीटर ड्राइवर को सामने लगे हुए स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते रहते हैं। इसके बाद रियर एक्सल की भी जांच की जाती है। रोलर और मशीन के माध्यम से स्पीड टेस्ट, गियर टेस्ट, पावर टेस्ट, ग्रिप टेस्ट, एबीएस टेस्ट, हर तरह की टेस्ट को यहां पर कंप्लीट कर लिया जाता है। अब ट्रक के कंप्लीट होने के बाद में बारी आती है शावर टेस्ट की, जहां पर केबिन के अंदर कोई लीकेज तो नहीं है किसी भी प्रकार का, इसकी जांच की जाती है हाई प्रेशर पानी की बौछारों के माध्यम से, जिसके माध्यम से पता चलता है कि केबिन के अंदर कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से गाड़ी का निर्माण होने के बाद में सभी प्रकार की टेस्टिंग होने के बाद में गाड़ी आ जाती है अब अपने फाइनल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। यहां पर गाड़ी का प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन किया जाता है और गाड़ी को अंडरपिट और सभी प्रकार के चेक पॉइंट को चेक सीट के माध्यम से चेक करने के बाद में गाड़ी के अंदर लगा दिया जाता है ओके टैग और गाड़ी को भेज दिया जाता है डीलरशिप के एंड तक और डीलरशिप से आपके घर तक। तो दोस्तों, इस तरह से होती है ट्रक बनने की पूरी प्रोसेस कंप्लीट। हम टाटा मोटर्स लखनऊ प्लांट के आभारी हैं जिन्होंने हमें अवसर दिया कि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए ला पाए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।